स्वयं सहायता समूह से आई हुई सभी बहनें, महिला मंगल दल, युवक मंगल दल और विभिन्न विभागों से आज प्रतिभाग करने वाले हमारे जिन्होंने यहाँ पर अपने अपने स्टॉल लगाए हैं, मैं आज सर्वप्रथम आप सभी को राज्य स्थापना दिवस की बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आज हम 24 वर्ष राज्य स्थापना के पूरे कर रहे हैं और 25वें वर्ष में हम प्रवेश कर गए हैं। रजत जयंती वर्ष हमारा प्रारंभ हो गया है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी हम सबके सामने 5 उत्तराखंड वासियों के लिए 5 करने योग्य जो काम है, जो संकल्प है वो रखे हैं। कुल मिलाकर 9 काम 5 राज्यवासियों के लिए और 4 राज्य के बाहर से आने वाले हमारे तीर्थयात्री, श्रद्धालु, पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए संदेश दिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं भाइयों बहनों। और आज के इस अवसर पर आप सबको पता है पिछले दिनों अल्मोड़ा जनपद के मरचूला में एक बहुत दुखद घटना घटित हुई जिसमें हमारे बीच के 36 लोग हमारे बीच से दिवंगत हो गए। मैं उन सभी को आज राज्य स्थापना दिवस पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जो घायल हुए हैं उनके लिए बाबा केदार से, भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्द स्वस्थ हों, शीघ्र अपने काम पर लौटे, अपने घरों को लौटे। भाइयों बहनों, आज इस अवसर पर मैं राज्य निर्माण में अपना सर्वस्व निछावर करने वाले हमारे अमर बलिदानियों को, राज्य आंदोलनकारियों को और हमारी मातृशक्ति को जिन्होंने इस राज्य आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, हम भूल नहीं सकते। खटीमा के गोलीकांड को हम भूल नहीं सकते, मसूरी के गोलीकांड को हम भूल नहीं सकते, 2 अक्टूबर 1994 को हुए रामपुर तिराहा कांड को मुजफ्फरनगर में। मैं उन सभी मातृशक्ति को नमन करता हूं। मैं इस अवसर पर हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, स्वर्गीय श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करता हूं जिनके प्रधानमंत्री रहते हुए हम सबको उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ। और अटल जी ने उत्तराखंड गठन करने के साथ ही हमारे प्रदेश को अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बनाने के उद्देश्य से उस समय 10 वर्षों का औद्योगिक पैकेज भी हमको दिया था और औद्योगिक विकास की नींव रखी थी। हम सभी के लिए हर्ष का विषय है कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा निर्मित हमारा ये राज्य आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का अग्रणी राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने यही बाबा केदार के धाम से, श्री केदार धाम से ये उद्घोष किया था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उसी ब्रह्म वाक्य को कमाल है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से आज हमारा प्रदेश, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कनेक्टिविटी का क्षेत्र हो, पेयजल सहित सभी क्षेत्रों में आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है। अभी भाई अनिल नौटियाल जी बोल रहे थे कि गैरसैंण में पेयजल की योजना हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे विद्यालयों की बात हो या अस्पतालों की बात हो, तेजी से उस दिशा में आज काम हो रहा है। करोड़ों की लागत से जहां हमारे केदारनाथ धाम का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण हो रहा है, वहीं बाबा बद्री विशाल का नया मास्टर प्लान बनकर उस पर तेजी से 255 करोड़ से भी अधिक लागत से तेजी से नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। आज चाहे शहर हो या सुदूरवर्ती क्षेत्र हो, वहां पर सड़कों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। विभिन्न जनपदों के लिए आज हेली सेवाएं प्रारंभ की जा रही हैं। इसके साथ ही विभिन्न एयरपोर्ट्स और हेलीपोर्ट्स को विकसित किया जा रहा है। रेल कनेक्टिविटी की बात करें तो बहुत जल्दी हमारे बहुत सारे बच्चों ने, अभी तक बहुत सारे बच्चे जो यहाँ से बाहर नहीं निकले होंगे उन्होंने साक्षात रेल को नहीं देखा होगा, लेकिन आने वाले समय में 2026 तक आज प्रधानमंत्री जी ने
हम सबको संबोधित करते हुए आज कहा है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का लक्ष्य 2026 तक पूरा करने का रखा गया है। भाइयों बहनों, आप सबके बीच में रेल आ जाएगी, आपके पास में ही रेल पहुंचेगी। ये आप सबके लिए एक जो बहुत सपना था वो आपका सपना पूरा होने जा रहा है। राज्य के विभिन्न जिलों में आज मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के साथ ही एम्स ऋषिकेश के सेंट्रलाइट सेंटर का निर्माण भी किया जा रहा है। देश में पहली बार स्वास्थ्य के क्षेत्र में हेली एम्बुलेंस की शुरुआत भी अगर कहीं से हुई है तो पूरे देश के अंदर हेली एम्बुलेंस सेवा की शुभारंभ करने वाला हमारा राज्य है ऋषिकेश। एम्स से हेली सेवा प्रारंभ हो गई है। भाइयों बहनों, प्रदेश के स्कूलों में वृहद स्तर पर कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस तैयार करने के साथ ही उच्च शिक्षा को नया आयाम देने के लिए प्रदेश के 20 मॉडल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। इसके साथ ही आज उत्तराखंड पर्यटन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से राज्य में बड़े स्तर पर व्यवसाय, रोजगार और नौकरियों के अवसर सृजित हो रहे हैं। हमारी सरकार औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति सहित अनेक नई नीतियां बनाकर राज्य के अंदर पूंजी निवेश बढ़ाने का कार्य भी कर रही है। पिछले वर्षों में हमने देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया, जिसमें देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनी